नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए जाएंगे हैदराबाद। आज होगी बहुप्रतीक्षित बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा। पैसेंजर कारों में 1 अक्टूबर से होंगे 6 एयर बैग अनिवार्य। टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते बाहर। आप भी खरीद सकते हैं सस्ते में साइकिल, बाइक और 4 पहिए वाहन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इतने रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न डिसिप्लिन में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल मिलाकर 110 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या बीई या बीटेक या पीजी या एमबीए या एमसीए या CA या CFA या ACMA या ACWA या LLB या PhD पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अशोक कुमार की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार का जन्म भागलपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। भाई बहनों में सबसे बड़े अशोक कुमार के बचपन से ही फिल्मों में काम करके शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने की चाहत थी, लेकिन वह अभिनेता नहीं बल्कि निर्देशक बनना चाहते थे। 1984 में दूरदर्शन के इतिहास के पहले शो पोपेरा हम लोग में वह सीरियल के सूत्रधार की भूमिका में दिखाई दिए और छोटे पर्दे पर भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अशोक कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। दादा मुनि को हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट सहयोग के लिए 1988 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता रहे हैं। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार भी इनके ही सगे भाई थे। बिहार कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए जाएंगे हैदराबाद। बिहार कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजे जाएंगे। इन सभी आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग अगले महीने 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर 2022 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। ये सभी अधिकारी मीट कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 3 के तहत प्रशिक्षण लेंगे। इन 4 आईपीएस अधिकारियों में जमालपुर के रेल पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 9 जमालपुर के समादेष्टा नवीन चंद्र झा, पटना के रेल पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल और BMP वाल्मीकि नगर के समादेष्टा राजेंद्र कुमार भील शामिल है। उद्योगपतियों को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त कराने में लगे हैं CM और डिप्टी CM। बिहार में महागठबंधन की सरकार उद्योगपतियों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करा रही है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों मिलकर इन्वेस्टर्स की चिंता और जंगलराज को लेकर हो रही चारों तरफ चर्चा की सफाई पेश करने में जुटे हैं। दरअसल बीते दिन CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्वेस्टर्स की सुरक्षा को लेकर कहा कि हम तो उद्योगपतियों से पूछते हैं भी हैं, कोई समस्या है तो बताइए। हमने SP और DM को भी कहा था कि आप लोग उद्योगपतियों के संपर्क में रहिए, अगर कोई परेशान करे तो छोड़िएगा नहीं। हमारे अधिकारियों ने भी आप तमाम लोगों को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया है। हम लोगों ने कह दिया है कि कभी भी कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाए उनको कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं डिप्टी CM ने भी कहा कि आप मीडिया में चल रही खबरों के हेडलाइन पढ़कर अपना व्यू मत बनाइए। बहुप्रतीक्षित बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा होगी आज। बहुप्रतीक्षित बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर यानी आज होने जा रहा है। परीक्षा से जुड़ी कुछ अहम सूचना सामने आई है जो कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों के लिए कुछ अहम सूचना है जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंचना होगा। लेट होने पर उन्हें परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। पिछले बार हुई पेपर लीक मामले को देखते हुए इस बार परीक्षा के आयोजन में सख्ती बरती गई है, जिसके लिए सेंटर पर जैमर भी लगाए गए हैं। एग्जाम दोपहर 12 बजे से शुरू होगी जो अगले 2 बजे तक चलेगी।
खुदीराम बोस मेमोरियल इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है खुदीराम बोस मेमोरियल। खुदीराम बोस मेमोरियल 18 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि के तौर पर बनाया गया था। खुदीराम बोस को 1908 में प्रफुल्ल चाकी के साथ किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के लिए फांसी दी गई थी, जो उस समय मुजफ्फरपुर के ब्रिटिश सत्र न्यायाधीश थे। इस ऐतिहासिक स्थान पर कई पर्यटक आते हैं जो युवा सेनानी की कहानी से मोहित होते हैं, जिन्हें चेहरे पर मुस्कान के साथ शहादत के लिए भेजा गया था। सेमीफाइनल में आज भिड़ेगी बिहार और ओडिशा महिला रग्बी टीम। की महिला रग्बी टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आपको बता दें कि गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल की महिला रग्बी स्पर्धा के सेमीफाइनल में बिहार की महिला टीम ओडिशा से भिड़ेगी। हालांकि गुरुवार को बिहार की महिला टीम को अंतिम लीग मुकाबले में महाराष्ट्र से मात खानी पड़ी। महाराष्ट्र ने बिहार को 24-0 से हराया। हालांकि इस हार से बिहार को नॉक राउंड वन में पहुंचने के लिए कोई असर नहीं पड़ा। नॉक राउंड वन में बिहार ने केरल को 21-0 से हराया था। अब बिहार का ओडिशा से सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 30 सितंबर को खेला जाएगा। राजस्व विभाग के खाली पदों पर बहाली की कवायद हुई तेज। जमीन से जुड़े मामले के निपटारे में अब तेजी आने वाली है, क्योंकि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में अमीन कानूनगो समेत अन्य 2616 पदों की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद विभागीय स्तर पर भर्ती की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए विभाग ने जिलों के डीएम से कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए ब्यौरा मांगा है। इसके बाद इनकी नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक ब्यौरा नहीं दिया गया है, जिसे विभाग ने फिर से रिमाइंड कराया है और पत्र लिखकर अपडेट सूची भेजने को कहा है। बता दें कि हाल ही में हुई भूमि राजस्व विभाग की बैठक में सीएम ने पद को जल्द से जल्द भरने की बात कही थी। आप भी खरीद सकते हैं सस्ते में साइकिल, बाइक और चार पहिए वाहन। साइकिल, बाइक या फिर फोर व्हीलर अगर आप चाहते हैं बेहद ही सस्ते दामों में खरीदना, तो आपके लिए हमारे पास एक खास सूचना है। दरअसल शराब के साथ साथ जब्त की गई वाहनों का सरकार नीलामी कर रही है। नीलामी में बाइक और कार के दाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जारी की गई सूचना के अनुसार साइकिल का न्यूनतम मूल्य 50 रुपये, बाइक का 1500 रुपये और कार 25,000 रुपये में मिल रही है। यह नीलामी जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग के द्वारा की जाती है। नीलामी से पहले इसकी सूचना जारी कर दी जाती है। इसकी जानकारी आपको बिहार सरकार की वेबसाइट के टेंडर पोर्टल पर भी मिल जाएगी। निकाय चुनाव का फंस सकता है पेच, 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। बिहार में हो रहे निकाय चुनाव का पेच फंस सकता है, जो कि आगामी 4 अक्टूबर को तय होगा कि बिहार में हो रहे निकाय चुनाव पर रोक लगेगी या फिर तय कार्यक्रम के मुताबिक ही वोटिंग होगा। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई पूरी हुई है और अब इसका फैसला 4 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। दरअसल बिहार के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर पेच फंसा है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए 3 मानकों को पूरा नहीं कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मानक 2010 में ही तय कर दिए थे। पूर्णिया में जाली नोट के साथ 5 गिरफ्तार। पूर्णिया पुलिस ने जाली नोटों के खपाने वाले गिरोह पर बड़ी सफलता हासिल की है। बीते दिन पूर्णिया पुलिस ने 4,51,500 रुपये जाली नोट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने नोट छापने वाली प्रिंटिंग मशीन के अलावा 3 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन को भी जब्त किया। पकड़े गए सभी जाली नोट 100-100 रुपये के हैं। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद यह कार्रवाई की। गुप्त सूचना में पूर्णिया पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र के जानकी नगर की ओर से बाइक पर सवार तस्कर पूर्णिया की ओर आ रहे हैं। हरजोत कौर ने कहा, मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाने का नहीं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम सशक्त बेटी समृद्ध बिहार में अफसरों और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत चल रही थी, जिसमें आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के एक विवादित बयान ने देश भर में हलचल पैदा कर दी। पूरे दिन यह मामला ट्विटर पर हैशटैग बिहार से ट्रेंड करता रहा। लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। यह मामला इतना भड़क गया कि आईएएस अधिकारी हरजोत कौर को इस पर सफाई देनी पड़ी।
हरजोत कौर ने कहा कि मेरे द्वारा कही गई बातों को यदि पूर्ण रूप से सुना जाए तो यह स्पष्ट होगा कि मैं बेटियों को अपने आप पर निर्भरता की ओर प्रेरित करना चाह रही थी। मालूम हो कि एक छात्रा ने सवाल पूछा था कि स्कूल में फ्री पैड क्यों नहीं मिलता। इस पर महिला विकास निगम की MD हरजोत कौर ने कहा था कि 20-30 रुपये का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जींस पैंट दे सकते हैं, अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में भी देना पड़ेगा। आज बिहार के कई जिलों में बारिश के संकेत। बिहार में बीते दिन अचानक से बारिश के बौछारों के सबको आश्चर्यचकित कर दिया। बिहार के कई जिलों में बीते दिन छिटपुट वर्षा जारी रही। गुरुवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। औरंगाबाद और मधुबनी जिले में जगह जगह छिटपुट बारिश होती रही। हालांकि धीरे धीरे मानसून का प्रभाव कम होता जा रहा है। पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, बांका, भागलपुर, जहानाबाद, मुंगेर, सुपौल, जमुई, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया शामिल है। पैसेंजर कारों में 1 अक्टूबर से होंगे 6 एयरबैग अनिवार्य। सड़कों पर चार पहिया वाहनों से बढ़ती एक्सीडेंट की समस्या को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बीते दिन केंद्र सरकार ने पैसेंजर कारों यानी कि M1 कैटेगरी में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 तक पैसेंजर कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य होंगे। आपको बताते चले कि अभी किसी भी कार के बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इसमें एक ड्राइवर और दूसरा फ्रंट पैसेंजर के लिए होता है। जानकारी के मुताबिक एयरबैग बढ़ने पर कार में बैठे लोगों को सुरक्षा तो मिलेगी, साथ ही साथ कार की कीमत में 30,000 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। माता के पूजा पंडालों में उमड़ रही है भारी भीड़। बिहार में नवरात्रि की धूम चारों तरफ दिख रही है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज भक्त स्कंद माता की भक्ति में डूबे रहेंगे। माता के लिए बनाए गए पूजा पंडालों में सुबह शाम आरती की धुन भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है। वहीं दशहरा को लेकर हर पंडाल और मंदिर की सजावट की खासियत उसका थीम बेस्ड डेकोरेशन और लाइटिंग है। शहर के विभिन्न इलाकों में लाइटिंग, रिबन और सजावट का कार्य जारी है। गया शहर में इस बार दुर्गा पूजा के लिए अलग अलग पूजा समितियों द्वारा भव्य व आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। पटना में भी पटना के गोलघर के पास स्थित अखंडवासिनी मंदिर में नवरात्रि के दौरान काफी भीड़ हो रही है। 1902 में स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी ने यहां माता के लिए 2 अखंड दीप जलाया था जो कि 100 वर्षों से यहां पे जल रहा है। ठगी के मामले में LJPR का नेता गिरफ्तार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक नेता को ठगी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेता पर श्रम कार्ड बनवाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जांच में अपराधी के पास से स्कैनर, नकली थंब इंप्रेशन, प्लास्टिक का अंगूठा और सेंट्रो कार्ड बरामद किया गया है। अपराधी मुंगेर IT सेल का अध्यक्ष अमित कुमार है। उसका एक साथी फिलहाल फरार है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर SP अशोक मिश्रा के निर्देश पर राजगीर DSP प्रदीप कुमार के नेतृत्व में रेड डाली गई थी। सुशील मोदी का दावा, लालू के सरकार में रहते नहीं आएंगे इन्वेस्टर्स। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाने में लगे थे कि उनकी सुरक्षा को बिहार में कोई खतरा नहीं है, सरकार पर भरोसा रखें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। इसको लेकर सुशील मोदी ने एक बड़ा दावा किया है। भाजपा नेता ने कहा है कि नीतीश लालू के रहते बिहार में कोई इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि जब तक लालू यादव की पार्टी सरकार में शामिल रहेगी तब तक इन्वेस्टर्स को बिहार सरकार पर भरोसा नहीं हो सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार इन्वेस्टर्स मीट में देश के 100 बड़े उद्योगपतियों में से एक भी उद्योगपति शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि CM नीतीश कुमार उद्योगपतियों से जबरदस्ती हाथ उठवा रहे हैं कि भरोसा है या नहीं, किस उद्योगपति की हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री के हाथ उठवाने पर हाथ ना उठाए। जगदानंद सिंह बोले, देश नीतीश का इंतजार कर रहा है। तेजस्वी यादव को CM बनाने की और नीतीश कुमार को PM बनाने के चर्चे चारों तरफ चल रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही PM पद की दावेदारी वाले सवाल पर मुंह मोड़ते हो, लेकिन महागठबंधन की सरकार के नेता कार्यकर्ता इस बात को कहते नहीं थक रहे हैं। इस बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह बात फिर छेड़ी है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार, हालांकि ऐसी कोई घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है, हमें लगता है कि 2022 से बीतने के बाद 2023 में नीतीश देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप देंगे।
भाजपा के खिलाफ नीतीश के साथ आने के लिए मायावती की पार्टी ने रखा शर्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम बनने के रास्ते में मायावती रोड़ा बन सकती हैं। मायावती ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की भाजपा सरकार को केंद्र से बाहर निकालने के लिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। यहां मायावती की पार्टी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि वह विपक्षी एकता में शामिल हो सकती है, लेकिन इसके लिए उनकी ओर से एक शर्त लगा दिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने बताया कि अगर विपक्ष मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है तो बसपा तीसरे मोर्चे में शामिल होने को तैयार है, और यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि मायावती हमेशा प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, तो तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। ऐसे में नीतीश कुमार को विपक्षों को शामिल करने में मुश्किल हो सकती है। लालू यादव की मिमिक्री करने वाले अंश के बारे में तेज प्रताप यादव ने कही ये बात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस बीच उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उनके साथ एक बच्चा नजर आ रहा है। वह बच्चा लालू प्रसाद यादव की आवाज में मिमिक्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो आपको तेज प्रताप यादव के ट्विटर अकाउंट पर मिल जाएगा, जो कि लोगों को खूब हंसा रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा कि मुजफ्फरपुर के अंश मिश्रा, जो कि 8 वर्ष का है और कक्षा 6 में पढ़ता है, ये बच्चा इतना प्रतिभाशाली है, इसकी कलाकारी देखकर मन मोहित हो गया है। मैं ऐसे कलाकार का हमेशा साथ दूंगा, बिहार का नाम रोशन कर सके। सम्राट अशोक के शिलालेख को मुक्त कराने के लिए जायसवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बिहार के सासाराम में मौजूद सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने शिलालेख पर अवैध तरीके से मजार बनाकर ताला जड़ देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। संजय जायसवाल ने अपने पत्र में लिखा कि यह मामला अति संवेदनशील है, इस विषय पर त्वरित संज्ञान लें ताकि पर्यटकों के साथ बौद्ध धर्मावलंबियों को आने जाने का अवसर मिल सके। पत्र के द्वारा जायसवाल ने जानकारी दी की गौरवशाली शिलालेख को हरे कपड़े से ढककर मजार बना दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इसके खिलाफ 1 अक्टूबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले 2008, 2012 और 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा SDM को निर्देशित भी किया गया था, लेकिन अंजाम कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते हुए बाहर। T20 विश्व कप 2022 से पहले भारतीय टीम को दूसरा तगड़ा झटका लगा है। BCCI सूत्रों और PTI न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ के चोट के चलते T20 विश्व कप 2022 से बाहर हो गए हैं। हालांकि अभी BCCI का आधिकारिक बयान आना बाकी है। मोहम्मद सिराज को बुमराह की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे गवर्नर शक्तिकांत दास के वायरल वीडियो के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के वायरल वीडियो के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट करते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें PIB ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के एक वीडियो को गलत संदर्भ में साझा किया जा रहा है। इस वीडियो में सुनाई दे रही यह आवाज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की नहीं है। राजू श्रीवास्तव को कुछ इस तरह शैलेस लोढ़ा ने दिया ट्रिब्यूट। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का बीते 21 सितंबर को निधन हो गया, लेकिन उनकी यादों को इतनी आसानी से भुला पाना उनके फैंस के लिए और उनके प्रशंसकों के लिए आसान नहीं है। राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी और किरदारों से हर किसी का मन मोह लिया था। शैलेस लोढ़ा राजू श्रीवास्तव के करीबियों में से एक रहे हैं। राजू को याद करते हुए शैलेस भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें सलाम करते दिख रहे हैं। दरअसल शैलेस लोढ़ा ने अपने एक कार्यक्रम का प्रोमो शेयर किया है। इसके माध्यम से उन्होंने राजू श्रीवास्तव को ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने लिखा कि वाह भाई वाह का एक विशेष एपिसोड मेरे अभिन्न मित्र और अद्भुत कलाकार राजू श्रीवास्तव को हम समर्पित कर रहे हैं। व्हाट्सएप की मदद से फ़ोन पर ऐसे डाउनलोड करें पैन और आधार कार्ड। हमारे डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना बेहद अहम होता है। ऐसे में इसको सुरक्षित रखने के कुछ अहम और सुविधापूर्ण विधि हम आपको बताना चाहेंगे। मालूम हो कि डिजी लॉकर हमारे लिए इसी तरह काम करता है। यह हमारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है और हम इसे व्हाट्सएप का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं।
आपको बता दें कि लोग माई जीओवी हेल्प डेस्क व्हाट्सएप चैटबोर्ड के माध्यम से डिजी लॉकर से आधार कार्ड पैन कार्ड जैसे अपने दस्तावेज आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में माई जीओवी हेल्प डेस्क के संपर्क नंबर 9013151515 सेव करें। अब व्हाट्सएप खोलें और अपनी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट को रिफ्रेश करें। इसके बाद माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क चैटबोर्ड खोजें और खोलें, इसमें कुछ मैसेज टाइप करके भेजें। इसके बाद आगे की प्रोसेस को फॉलो करें। आप व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनवमी मांझी, सुशील कुमार, संजीत कुमार, विजय कुमार मंडल, रंजन कुमार, राजकुमार प्रसाद, पवन सिंह, अखिलेश कुमार, गणेश कुमार, कुलदीप कुमार, कुमार शिव पासवान, संजय शर्मा और धर्मपाल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिलने की कितनी संभावना है। अपना राय हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।